नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका जिले के रजौन मुख्य सड़क मार्ग धनसार मोड़ के पास से मंगलवार की सुबह 62 वर्षीय वृद्ध का लावारिस अवस्था में सबको बरामद किया गया है। जानकारी मिलने पर प्रशिक्षु DSP अविनाश कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार, थाना अध्यक्ष बुद्धदेव पासवान ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सबकी पहचान बौसी थाना अंतर्गत भंडारी चौक गांव के सुखदेव शाह के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर मृतक पुत्र विष्णु एवं विनोद शाह थाने पहुंचकर पहचान की है। मृतक पुत्र ने थाने में UD केस दर्ज कराई है। अपने UD केस में बताया कि पिता सुखदेव शाह मानसिक रूप से विक्षिप्त चल रहा था। वे घर से 2 मार्च की सुबह 5 बजे निकला था। पुत्र ने सबकी पहचान शरीर में पहने कपड़े, चप्पल एवं बर्तन से की है। सब कई दिनों से पड़े रहने की वजह से पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शिकार हो जाने की वजह से इतना छत विछत हो गया था कि सबका नीचे का भाग नरकंकाल के रूप में परिणत हो गया था। मृतक अपने साथ पत्नी सुमित्रा देवी, 7 पुत्र, 1 पुत्री सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई। मृतक के पुत्र ने बताया बौसी थाना में गुमसुदगी से संबंधित आवेदन दी गई थी। कटोरिया SDPO बेलहर प्रेमचंद सिंह ने कटोरिया पुलिस के साथ मंगलवार को कटोरिया बांका मुख्य मार्ग के आरपाथर मोड़ के पास से एक ऑटो से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही मौके से 2 तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तस्कर में युदय यादव पिता हरि यादव ग्राम भंडार कोला जिला देवघर एवं विनोद कुमार पिता उदय यादव ग्राम बथनाहा थाना अलौली जिला खगड़िया शामिल है। जानकारी के अनुसार झारखंड से भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी की गुप्त सूचना SDPO को मिली। सूचना के आधार पर SDPO ने थाना अध्यक्ष मनीष आनंद, अवर निरीक्षक नीरज तिवारी, अवर निरीक्षक महेश झा, सहायक अवर निरीक्षक विपिन कुमार सहित पुलिस बलों के साथ आरपाथर मोड़ के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कटोरिया की ओर से आ रही एक ऑटो को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर उक्त ऑटो में लदे मूड़ी की बोरे के नीचे 20 पेटी में 480 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस इस कार्यवाही से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। कटोरिया थाना क्षेत्र के कटोरिया पंचायत अंतर्गत मछवरिया गाँव में बीते रात्रि अज्ञात लोगों द्वारा नागेश्वर यादव के पुआल के टाल में आग लगा देने से लगभग 15,000 रुपये मूल्य की पुआल जलकर राख हो गई। घटना के संबंध में पीड़ित किसान हृदय यादव के पुत्र नागेश्वर यादव ने अंचलाधिकारी सागर प्रसाद को आवेदन देकर मुआवजा की मांग की है। दिए गए आवेदन में बताया कि घर से लगभग 500 फीट की दूरी पर पुआल का टाल लगाए गए थे। सवेरे ग्रामीणों द्वारा किसान को सूचना दी गई, तुम्हारे पुआल का टाल जलकर राख हो गया है। सूचना मिलते ही किसान घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि 8,000 पुआल का टाल जलकर राख हो गया है। घटना के संबंध में पंचायत के मुखिया प्रदीप कुमार गुप्ता को सूचना देकर पीड़ित किसान को अंचल कार्यालय से मुआवजा दिलाने की मांग की है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सबसे आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर Facebook पर हमारा न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।